देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ फरजान। जैसा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को होने वाले हैं, ऐसे में सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने किस्मत के आजमाइश में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच अपने कार्य की वजह से पहचाने जाने वाले बादली विधानसभा के विधायक अजेश यादव से हमारी संवाददाता उषा पांडे ने खास मुलाकात की और क्षेत्र में आप विधायक अजेश यादव द्वारा किए गए कार्य पर खास बातचीत की गई। तो चलिए हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं अजेश यादव से खास बातचीत। 70 है, 70 तो मिल ही जाएंगे। अगर 70 में से 70 सीट मिल रही है तो सरकार तो बनी रही है रात का। अब राजनीति में जब हम गलियों से निकलते हैं तो बड़े सम्मान के साथ लोग हमसे बात करते हैं। पहले जब मेरे से पहले वाला विधायक, वो कहते हैं अरे चोर आ गया, ये आ गया, इस तरह की पीठ पीछे बात होती थी। अब कहते हैं झाड़ू वाले आ रहे हैं, तो वो सम्मान देते हैं। इतना बदलाव आया। पहले तो सर आपको नेशनल इंडिया न्यूज़ की तरफ से लाख लाख बधाई। धन्यवाद। जो कि आपको पार्टी ने दोबारा चुना है। जी जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पार्टी ने आप पे दोबारा भरोसा किया है, तो इसमें आने वाले 5 सालों में आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो लगभग हर क्षेत्र में काम चल ही रहा है जी। और कुछ जगह कंप्लीट हो गया, कुछ जगह चल रहा है। और रही बात 5 साल की, तो काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं जी। तो हमने इतना काम किया है कि क्षेत्र की जनता कह रही है कि 70 साल में इतना काम नहीं हुआ जो आज इन 5 साल में हुआ है जी। और हमारे यहाँ हैं कुछ चीज़ें अभी जो बची हुई है जी। जैसे मेट्रो की कनेक्टिविटी हमारे यहाँ, तो अगले बार का ये टारगेट है। और एक यहाँ जाम की स्थिति बन जाती है जहाँ हम बैठे हुए हैं सामने जी। तो यहाँ नेशनल हाईवे से हमारी बात चल रही है कि इस जाम से भी यहाँ मुक्ति मिले। बाकी सड़कें, गलियाँ, पानी, ये सब काम हमने कर दिए हैं। कुछ हो गए हैं, कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके लिए किसी टेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बारात घर हमारे यहाँ 7-8 बनने लग रहे हैं जी। बाकी देखते हैं और क्या काम बचा है। और सर जो ये कुछ सीटें आपकी काट दी गई हैं, तो जो लोग हटे हैं वो क्या दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या आप उन्हें अपनी पार्टी में ही रखेंगे? मुझे तो यहाँ से फुर्सत ही नहीं है अपने क्षेत्र से, और वो तो वो जानेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ सर, पिछले 5 सालों में तो बिजली पानी ये मुफ्त किया गया है, आने वाले 5 सालों में क्या है? दिल्ली की जनता के हित में जो अच्छे से अच्छा काम होगा वो करेंगे। और हमारी पहली ऐसी सरकार है जो जनता के पैसे को जनता के बीच में ही लेके जा रही है, भ्रष्टाचार करके खुद नहीं खाते जी। और सर ये जो ये निर्भया का जो केस था, इसमें 22 तारीख को इसमें दोषियों को फांसी होने वाली थी। बीजेपी का कहना है कि जो ये 1 तारीख को होगी, ये जो रोक दी गई है, इसका कारण केजरीवाल जी को बताया जा रहा है, इसके आप बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो हम जवाब दे देते, एक बार दिल्ली पुलिस दो ना हमें, फिर हम बताएंगे। दिल्ली पुलिस या प्रशासन हमारे पास आए एक बारी, तो फिर हम ही कहते हैं सब कुछ तो बीजेपी के पास है, तो हमारा इसमें कहाँ से आ गया जी। सर ये जनता जो आपके साथ, मैंने कल भी देखा तो जो आपकी पदयात्रा निकली थी इसमें काफ़ी आपके साथ ही थी, तो इसमें जनता आपसे खुश है, तो इस बारे में आप अगले 5 सालों में जो ये आपकी जो ये सरकार बनेगी, इसमें आप उनको और खुश करने के लिए क्या क्या आपने कुछ सोच रखा होगा या क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, अब से पहले राजनीति का मतलब था कि जो लोग पैर पकड़ के वोट मांगा करते थे, चुनाव जीतने के बाद लोग उनके दर्शन को तरसा करते थे, उनके दफ्तर के बाहर जाया करते थे तो चमचे उनसे मिलने नहीं दिया करते थे। आज दिल्ली की जनता ने देख लिया, जिसको उन्होंने चुना है वो इस जनता का एहसान मानता है कि आपने मुझसे उम्मीद की है और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। तो अब की बार 5 साल मैंने यही कोशिश की है, अगले 5 साल फिर हम ऐसे ही रहेंगे और अपने में जो कमी है उसको भी सुधारेंगे। और जिस जनता ने हमें ये ताकत दी है, उस जनता को ही ये ताकत देंगे हम सारी की सारी। सर जनता का कहना है कि ये जो इलेक्शन है इस टाइम, ये पानी बिजली जो फ्री है, ये इलेक्शन के कारण है, नहीं क्या ये आगे भी रहेगा? आप देखिए, 400 यूनिट तक का बिजली हाफ और पानी माफ, पूरे 5 साल चला जी। तो जब वो 5 साल चल सकता है, हॉस्पिटल में दवाई काफ़ी टाइम से फ्री मिल रही है जी। स्कूलों में शिक्षा अच्छी कई साल से मिल रही है जी। तो क्या वो टेम्परेरी है जी।
तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी पे पूरा भरोसा करती है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और परमानेंट करते हैं। जी सर, आप सरकार बनाने जा रहे हैं तो आपने विकास, जनता के विकास के लिए क्या सोचा? नहीं, ये जनता का ही विकास है। जितना भी है, हर परिवार को 5-7 हज़ार रुपये महीने का भी फायदा होता है ना ना करते, और उनको जो बिजली की, पानी की 24 घंटे बिजली आ रही है, पानी हम कह ही रहे हैं कि आने वाले समय में साफ पानी होगा सबके लिए और 24 घंटे पानी होगा जी। और हमारे क्षेत्र में तो अनऑथराइज कॉलोनी जैसी जगह में गैस की लाइन भी डाल दी गई है जी, जी। तो ये जनता का विकास ही है। स्कूल अच्छे हो रहे हैं, हॉस्पिटल अच्छे हो रहे हैं। सर, ये कच्ची कॉलोनियाँ जो पास हुई हैं अभी, तो क्या आने वाले 5 सालों में और भी चांस है पास होने के? नहीं, देखिए जो कॉलोनी थी इनके लिए इन्होंने कभी किसी ने कुछ नहीं किया, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, ये झूठ बोला करते थे। एक कॉलोनी को पास कराने के लिए पहले कहते थे कि भाई एलजी साहब ने भी कहा, कोर्ट ने भी कहा, जब यहाँ गलियाँ नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो कैसे पास करें। आज हमने ये काम कर दिया कि सबको पानी भी मिल गया, सीवर लाइन मिल गई है, गलियाँ मिल गई हैं, और हमारी कैबिनेट ने 2015 में ये नोट बना के भेज दिया था कि अब दिल्ली की कॉलोनियों को आप नियमित करें और ये हम ही करेंगे। बीजेपी तो झूठ बोलती है जी। सर, राजनीति में आपको कुछ बदलाव नजर आया? बहुत बदलाव है दिन रात का। अब राजनीति में जब हम गलियों से निकलते हैं जी, तो बड़े सम्मान के साथ लोग हमसे बात करते हैं। पहले जब मेरे से पहले वाला विधायक, वो कहते हैं अरे चोर आ गया, ये आ गया, इस तरह की पीठ पीछे बात होती थी। अब कहते हैं झाड़ू वाले आ रहे हैं, तो वो सम्मान देते हैं। इतना बदलाव आया। सर, विधानसभा में मतलब आपको कितनी सीटें मिली? 70 है, 70 तो मिल ही जाएंगे। आपको उम्मीद है कि ये सरकार अब की बार ही आप पार्टी की बनेगी? अगर 70 में से 70 सीट मिल रही है जी, तो सरकार तो बनी रही है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।